मैं आपको मिलाता हूँ दो ऐसे सुपरस्टार से, ये एक बार दिख जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर राम से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। आप इनको देख चुके हैं हमारा ऑडियंस जंजीर में, एंड इनकी इतनी सारी फिल्में हर टाइम पूरा इंडिया देखता रहता है कि इतनी मतलब आप कोई भी चैनल खोल लीजिए इनकी फिल्में आपको दिखती रहेंगी। तो राम, ऑल एक्साइटेड फॉर RRR बिकॉज नेशन इज़ वेटिंग, द न्यू ईयर बिगिंस विद योर फिल्म, एंड हाउ मच इज़ योर एक्साइटमेंट लेवल? एज एक्साइटेड एज एनी फैन ऑफ राजमौली सर्स मूवी और RRR इक्वली। We worked really hard for 3.5 years, hundreds of people's hard work and great visionaries' work. We just want to wait and see it in theaters along with everyone. और अब मैं मुलाकात कराता हूँ एक ऐसे शख्स से जिनका मैं सच में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जूनियर नंदमुरी तारक रामाराव। मुझे याद है मैंने इनके ग्रैंडफादर का नाम अपने स्कूल में ऐसे रटा था, इसलिए नाम मुझे अच्छे से याद था। वी कॉल हिम फॉन्डली मिस्टर तारक। तो तारक, वेलकम टू मुंबई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाउ डू यू फाइंड मुंबई? कितना दिल के करीब है ये शहर? मुंबई इज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, यू नो, एज सच, यू नो, वी मुंबई इज़ नेवर हैज नेवर बीन एन एलियन सिटी। इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, a city of fast running, a city of achievement. Mumbai is always close to my heart. It's been a lovely place. I'm sure yahan par aapko log mob karte honge because aapki filmein subah sham channel par chalti rehti hain alag alag, maybe original namon se nahi, naye naye namon se. So what, how much love you get from the Mumbai film industry? It's the same every film industry and every audience, all the audiences of our country are the same. The love they have for their actors, the love they have for their films is absolutely amazing, and it's the same all over. तो नए साल का जो तोहफा आप देने जा रहे हैं, तो कितना एक्साइटमेंट है? सब लोग बहुत ही बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, इतनी मेहनत लगी है पूरी टीम की, तो न्यू ईयर कितना स्पेशल होगा? जी, उन लोगों के साथ मैं भी इंतजार कर रहा हूँ 3 साल से, शायद अब 7 जनवरी को वो रिलीज हो जाए। एंड आई एम जस्ट बिकॉज ये पैंडमिक ने हमारे दिलों को बहुत दुखाया है और हमारे जिंदगियों को बहुत बदल दिया है, एंड एवरी वन हैज़ रियली गॉन थ्रू अ वेरी टफ टाइम, एंड टुडे एवरी फिल्म विच इज़ रिलीजिंग, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग बैक आर ऑडियंसेस टू आर थिएटर्स, एंड आई रियली कांट वेट फॉर RRR टू ब्रिंग दोज एक्स्ट्रा ऑडियंसेस बैक टू द थिएटर्स ऑल्सो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड लाइक एनी फैन, एज चरण सेड, ऑफ राजमौली। तारक, मैं देख रहा हूँ कि हिंदी इतनी अच्छी है, तो इतने दिन आप हिंदी फिल्मों से क्यों दूर रहे? इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो आप। अब कर रहा हूँ ना RRR सो शायद RRR की खोज थी और RRR की इंतज़ार थी, और ये आदमी ना, इन्हें यू नो ही डिलेड इट अ लॉट, इन्हें डिले कर दिया बहुत। तो राम सर, ये बताएं कि आपके जो वीडियोज़ हैं ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़, और आपकी मूछें जो हैं इस फिल्म में, वो जो है ना बड़ी ही क्लासिक है, तो वो मूछें कितना टाइम लगा था लगाना पड़ता लगता था? आई डोंट नो, प्रोबब्ली 6 months। वो असली थी? नहीं, आई थिंक प्रोबब्ली असली, ऑफ कोर्स इट वाज असली था, ही डजंट डू एनी मेकिंग न्यूज़ है कि मूछें असली थी। सर कभी कुछ फेक नहीं करते, सब असली होना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर मेनी सीन्स ही वाज स्टिल नॉट सैटिस्फाइड विद माय मूछ, ही वांटेड रियली दोस इंपीरियल डेज वेयर यू हैव दोस बिग मोटर हैंडल बार मूछ, and probably one or two key scenes he got the actual but it took a long time, just we were holding on to our dates and our time just for the looks to come, and especially the Alluri Sitaram Raju get up, though it took a long time. The body transformation, he doesn't have to tell us in particular, inki film mein har actor body ke saath hi aana padta hai sets ke mein, and it's a good, both of us, he worked really hard on his body and looks fantastic. बॉडी जो दिख रही है, सिक्स पैक आप जो दिख रहे हैं, द होल आपका एंट्री, तो कितना जिम में पसीना बहा, हु ऑल पीपल वर पीछे, कितने लोग की मेहनत। व्हेन यू डू अ मूवी, व्हेन आई डू अ मूवी विद हिम, इट्स लाइक हैविंग ब्रेकफास्ट गोइंग टू जिम, इट्स लाइक चलता है, लाइक ब्रशिंग योर टीथ, यू हैव टू गो टू जिम, एंड इट्स अ रेगुलर, आई मीन वी यूज्ड टू वेक अप 4 o'clock समटाइम्स व्हेन द शॉट हैज टू बी टेकन एट 7, वी लिटरली यूज्ड टू वेक अप एट 3:34, फिनिश, गेट रेडी, बी देयर शार्प 7। और मैंने सुना कि आप आलिया भट्ट के साथ रोमांस कर रहे हैं। हाँ, पिक्चर में पॉलिटिकली करेक्ट, इन द फिल्म राधा जो कैरेक्टर के साथ रोमांस कर रहे हैं, तो आलिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग टैलेंट हाउस फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, सीता, सॉरी, तो सीता का किरदार आलिया भट्ट निभा रही है, उनके साथ राम सर है, तो कैसे ही है आलिया भट्ट, व्हाट काइंड ऑफ एक्ट्रेस, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? इनके साथ ज़्यादा सीन्स है सर,
Yeah, yeah, he had more scenes. He started working with her before me. Talking about the romance, not the scenes. Yeah, yeah, there was all kind of things he was doing. But seriously, I think her character is one of the soul that the focal point between both of us is Alia Bhatt. Lots of scenes are there. It's just not about the romance. It's about the pain she goes through. It's about the journey of Sita, of becoming and having Alluri, having Sita in his name, Alluri Sita Ramraj. The Sita is coming from her character. So she has a very, very important role and can't be better than, we can't be played by anybody else than Alia. It was a pleasure working with her. We enjoyed her work from Highway to Razi. From admirer, admiring her work, we've become a fan of her work, and it's nice to work with such talent. जब भी हैदराबाद में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब हीरो की एंट्री होती है तो दैट इज़ द मोमेंट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दोनों की एंट्री. तो एनटीआर सर, तो आपकी एंट्री कैसे हो शेर के साथ? आई थिंक यू आर लाइक फाइटिंग विद द एक लायन के साथ है, तो वो एंट्री का जो दैट मोमेंट होता है वो कैसे होगा आरआरआर में? थोड़ा हमें उसकी ट्रेलर दिखा. उससे भी ज़्यादा अगर मैं कुछ बोलूँगा वो सिक्वेंस के बारे में, वो आदमी को देख रहे हैं आप गला पकड़ लेंगे मेरा गला पकड़ लेंगे मेरा. टीजर में तो, ट्रेलर में तो आपने देख ही लिया कि क्या होने, कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या होगा. वो बस यू विल हैव टू वेट टिल द 7th of January. आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइलर. जो मैं बातों में, शब्दों में बोलूंगा वो इट्स विल नॉट डू जस्टिस टू व्हाट यू गोइंग टू सी ऑन दैट स्क्रीन. सो आई बेटर कीप माई माउथ शट एंड जस्ट लेट यू ऑल एंजॉय इट ऑन द 7th of January. It was a very special episode, and I really don't want to say anything about it because you really have to see it. And both our entries are going to be phenomenal. We are Rajmouli's heroes, so what less can you expect from us on screen? I'm sure हम लोग CTO के साथ स्वागत करेंगे. लेकिन आपने भी जो body body बनाई है बिल्कुल, तो we see the whole end product. लेकिन उसके पीछे I'm sure एक बहुत मेहनत होगी, एक discipline होगा. So how was that process? Fitness has become a very big part of every actor's life. Not only in actors but a lot of people in India. India today is really growing up on fitness, and especially the pandemic में people really needed to be very healthy and whatever. So as an actor, it's an everyday job, you know, being fit. But as a Rajmouli hero, yes, you'll have to have. मक्खी को भी हीरो बना दे. जी, exactly. तू मक्खी भी कर रहा है ना वहाँ, वो पूरा exercise, वो गाने में. तो it's like, so when you're playing a special role, like Sitaram Raju for Charan or Kumrum Bhim for me, there was this special effort which we had to put in because he is one perfectionist and he wants it to be perfect and he will not settle for even 50% or 60%. उनको तो 100% चाहिए ही. तो वी रियली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. वी हैड ग्रेट ट्रेनर्स फॉर चारन और फॉर मी, यू नो, हु हेल्प्ड अस आउट इन अचीविंग आवर बॉडीज. एंड देन यू सी, फॉर ऑल द हार्ड वर्क एंड टुडे यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, व्हाट एल्स कैन वी हैव एज एक्टर्स, व्हाट एल्स वुड वी वांट एज एक्टर्स. सर, आई एम सो, टेल अस समथिंग इंटरेस्टिंग. मोस्ट toughest schedule you had, like various, and in the lockdown the shooting happened, there were a lot of breaks, so which was the most toughest time during the shoot? The jungle sequence, jungle sequence was completely his sequence. It looks tough, it looks deadly, but I feel together the interval block where we both are doing something, I don't know, I don't want to say anything. I'm not allowed to say, but the night shoot of 60 night shoots, it was divided in the summer we did about 35 and then another 30 in the winter, and he being the water, the man who has that water significance for him and the fire for me, I really, it was tough, the fight was tough, but I still had some warmth from the fire. But he was soaking for 30 nights and in the winter where the temperatures were falling at 5 degrees, 4 degrees in the night at 2 o'clock, and that is something I could not fathom even doing it. Is that so? Absolutely. I mean, like, that sequence itself really, yeah, I was drenched in water because that sequence started in 2019 summer. So 30 nights were then. So then cut to 2020 December where the temperatures were dropping below 5 or 4. So that's when the rest of the shoot was supposed to be, because we went through a lockdown and the pandemic was on the peaks, and that
that 60 to 65 nights were the toughest for us as actors. That's because one fight sequence. That's one 60 nights. 60 nights was one fight sequence. Guys were watching it, so it was everything, you know, shooting for it. Then we had the pandemic. Then we were holding on to the emotions of Triple R. We were holding on as actors. Everything came to a standstill, and then again we had to pick ourselves up and immediately go back to where we left it. Okay. Yeah. In summer. And but thanks to him, you know, all the struggles, all the hard work. Watch out for the visuals. Watch out for that fight. It'll be one of the best. All the hard work will definitely pay off. थिएटर्स की बात चली है तो हैदराबाद में जो थिएटर्स थे माहेश्वरी परमेश्वरी एक जमाना होता था इट वाज लाइक यू नो गोइंग टू अ टेंपल तो वही मैं अभी क्या वक्त के साथ क्या ख़त्म हो गया है वो एक फिल्म सिनेमा में जाना वो एक यूज टू बी एन एक्सपीरियंस फॉर द होल एंटायर फैमिली दे यूज टू लव द स्टार्स लाइक योर फादर यू नो दे पीपल दिस होल ओटीटी थिंग डू यू थिंक इट्स समवेयर डाइल्यूटेड और दैट चार्म ऑफ सिनेमा विच What do you think? The pandemic, it was the beginning of OTT, but it's not going to take over cinemas. I hope so. I wish it doesn't take over. Cinema is the cheapest form of entertainment for any family. And biviyan ghar mein nachayenge husbands ko if they keep them at home and say, Friday watch this film, watch Suryavansh on OTT. It's an experience of stepping out of the house with the children and kids and having a popcorn. After that, dinner and ice cream and then movie. All this put together is an experience for a nice family to go out. And if you take that away from them, I don't think it will work out. The balance will go. पता नहीं आपको ही किसी ने बोला कि नहीं मुझे आपको इस ट्रेलर में देख के आपके नाना जी की याद आ गई somewhere because the NTR we knew. So I don't know. How much जो 1920 की बात चली तो उनकी फिल्में तो how much do you love his cinema? I mean, he was an institution. I grew up watching his films, learned a lot from him as a person, as an actor. So obviously that influence will never leave me. It'll always be behind, you know, it'll always be there in my head, guiding me as an actor, as a person. It will definitely, he will always play a vital role in my decisions, in my life. चलिए उम्मीद करते हैं कि नए साल RRR की तरह एक शुभ हो।